इंदौर में मध्य क्षेत्र में बने नवनिर्मित सरवटे बस स्टैंड में बसों के संचालन पर अब तक कोई भी फैसला नहीं लिया गया है। अधिकारी इस बस स्टैंड से सिटी बस चलने पर विचार कर रहे हैं, तो वहीं बस संचालक यहां से संभाग की बसों के संचालन पर अड़े हुए हैं। दरअसल ढाई साल के इंतजार और करोड़ों की लागत से बने सरवटे बस स्टैंड पर अब तक कोई फैसला अधिकारी नहीं ले पाए हैं। जहां पूर्व में इस बस स्टैंड को 1 जनवरी से शुरू करने के दावे किए जा रहे थे, तो वहीं अब तक यहां से चलने वाली बसों का निर्धारण नहीं हो पाया है। अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और बस संचालकों के द्वारा इस पर चर्चा भी हुई, लेकिन अब तक इस पर कोई भी सर्वसहमति नहीं बनी है। वहीं निगम अधिकारियों का कहना है कि आगामी दिनों में सरवटे को लेकर फिर बैठक होगी, जिसमें तय हो जाएगा कि वहां से कौन सी बसों का संचालन होगा। गौरतलब है कि तोड़े जाने के पूर्व सरवटे बस स्टैंड से लगभग 600 बसों का संचालन होता था। बस वर्तमान में शहर के अलग अलग 4 स्थानों से चल रही है। सरवटे बस स्टैंड को लेकर कल एक बैठक हुई है, जिसमें सभी स्टेक होल्डर्स ने भाग लिया। आदरणीय सांसद जी, विधायक जी, कलेक्टर सर भी इस बैठक में थे, और इस बैठक में निर्णय लिया गया, चूंकि सरवटे बस स्टैंड जो है वो शहर के बीच में है, तो कौन से रूट की बसेस हम लोग इस पे चलाएं, इस पर एक चर्चा प्राथमिक स्तर पे हुई है कल। उस चर्चा को अंतिम रूप देने के लिए एक सब टीम टाइप की बनाई गई है, जिसमें आरटीओ की टीम है, ट्रैफिक की टीम है, नगर निगम के हैं, और जो बस ऑनर्स एसोसिएशन है उनके मेंबर्स हैं, जिसमें ये डिसाइड किया जाना है कि हमें कौन सी बसें यहाँ से चलानी है। हालांकि नगर निगम का फोकस और AICTCL का इस बात पर रहेगा, क्योंकि ये शहर के बीच का बस स्टैंड है, तो यहाँ पर नगर निगम की जो सिटी बसेस का आने वाला फ्लीट है उसको ध्यान में रखते हुए, अपनी इलेक्ट्रिक बसेस को प्रमोट करने के लिए उनको ध्यान में रखते हुए हम लोग बसेस यहाँ से रन करें। इंदौर से धीरज पगारे की रिपोर्ट।